गर्मा गर्म गाजर का हलवा हम सभी को बहुत पसंद है एंड अगर ये हेल्थ कॉन्शियस को ध्यान में रखकर बनाया जाए तो आप इसे बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ गाजर की हलवे की एक ऐसी ही शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अपने डाइट में होते हुए भी इंजॉय कर सकते हैं एंड कटोरी भर भर के खा सकते हैं। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया था 500 ग्राम के करीबन गाजर। गाजर को हमें अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, आप चाहें तो इसके छिलके भी उतार सकते हैं। उसके बाद हमें सारे गाजर को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे गाजर को वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे लगभग सारे गाजर हमारे कद्दूकस हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। सिर्फ एक चम्मच के करीबन हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई इलायची। इलायची के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कद्दूकस करके गाजर रखी हुई थी। इन गाजर को ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे एंड इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ही हमें गाजर को अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पे गाजर को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद इसी स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे शक्कर। यहाँ पे मैंने रेड वाली गाजर ली थी जो कि ऑलरेडी मीठी होती है, तो मैंने सिर्फ 1 कप के करीबन ही शक्कर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो गाजर के बीच में हल्का सा स्पेस करना है, उसके बाद हमें 1 कप शक्कर ऐड कर देनी है। इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर कर देना है एंड उसके बाद हम इसे एक प्लेट से कवर कर देंगे एंड 4 से 5 मिनट के लिए इसे बिना डिस्टर्ब हुए पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं एंड देख सकते हैं जो शक्कर थी वो काफी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इस तरीके से शक्कर ऐड करने से होता क्या है, शक्कर के साथ साथ जो हमारे गाजर हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम इसे एक बार अच्छे तरीके से भुनेंगे लगभग 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी गाजर अच्छे तरीके से भुन चुकी है एंड इसमें जो हमने शक्कर वगैरह ऐड करी हुई थी वो भी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। आपके मन पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उन्हें मैंने पहले से हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ था घी में, तो उसी को मैंने ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप ये लो फैट दूध। दूध को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं हमें यहाँ पे दूध की मात्रा ज्यादा नहीं ऐड करनी है एंड गाजर जो है हमारे शक्कर की हेल्प से पहले से ही सॉफ्ट हो चुकी है, तो ज्यादा दूध हमें नहीं ऐड करना है। दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे एंड उसके बाद हम इसे वापस से कवर करने वाले हैं ताकि जो गाजर में दूध है वो अच्छे तरीके से सूख जाए। तो लगभग 5 मिनट के बाद हम इसे वापस से खोल के चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध है वो हल्का से सूखे हुए हैं लेकिन थोड़ी अभी दूध की मात्रा इसमें बची हुई है। तो अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, लगातार चलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो दूध है वो अच्छे तरीके से सूख नहीं जाते हैं। तो ये देखिए लो फैट हमारा गाजर का हलवा बनके एकदम से तैयार है। इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 15 मिनट में ये गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाता है। यानी लो कैलोरी लो फैट गाजर का हलवा है, आप इसे अपने डाइट में शामिल करिए, बड़ों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही फायदेमंद है। अगर गाजर का हलवा खा के आपका वेट लॉस होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप भी बनाइए एंड इसे भर भर के कटोरी एंजॉय करिए। तो एट लास्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीबन घी। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे लीजिए हमारा लो फैट डाइट वाला गाजर का हलवा बनके तैयार है। आई होप आपको रेसिपी काफी पसंद आएगी। अगर आप भी मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप मेरी और भी वीडियो को देख सकते हैं एंड अगर आपको ऐसी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आपके साथ इसी तरीके से हेल्दी रेसिपी शेयर करना पसंद करती हूँ। तो आई होप आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो देख सकते हैं इसका जो दूध था वो अच्छे तरीके से सूख चुका है एंड गाजर का हलवा हमारा एकदम अच्छे तरीके से बनके तैयार है। तो इस स्टेज पर कर देंगे हम गैस का फ्लेम ऑफ एंड चलते हैं गर्मा गर्म गाजर के हलवे को सर्व करने की तरफ। तो लीजिए गर्मा गर्म ये हेल्थ कॉन्शियस गाजर का हलवा बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।